दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय का टाइम बचा है, जहां पर हाल ही के अंदर हुआ IPL का 13th एडिशन यानी IPL 2020 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 28% बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली IPL के व्यूअरशिप के अंदर। और यहां पर दोस्तों IPL का 14th एडिशन यानी IPL 2021 जल्दी स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। काफी सारी एक्साइटमेंट यहां पर होने वाली है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यहां पर IPL के नए सीजन से, और हर दिन IPL से रिलेटेड काफी सारी न्यूज निकल के आती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप नीचे जरूर कमेंट करके अपनी फेवरेट टीम का नाम बताएं, कौन सी है ये न्यूज, किस टीमों की तरफ से निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट, किन टीम को होने वाला है बड़ा प्रॉफिट, किन टीम को होने वाला है नुकसान। आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय रह गया है और IPL का 14th एडिशन बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और IPL के नए एडिशन को लेकर रोजाना काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आती है, और आज तारीख हो चुकी है 21 जनवरी, और आज भी दिन भर में काफी सारी अपडेट्स और काफी सारी न्यूज IPL के नए एडिशन को लेकर बाहर निकल के आई है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिन भर की टॉप न्यूज और टॉप खबरें बताने वाला हूं, तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा पहली न्यूज बाहर निकल के आती है डेविड मलान को लेकर। तो यहाँ दोस्तों लंबे समय से र्यूमर्स थे कि डेविड मलान के IPL 2021 खेलेंगे, ये टीम उनके पीछे है, वो टीम उनके पीछे है, और अब दोस्तों फाइनली विश्व के नंबर वन बैट्समैन डेविड मलान ने अपने आप को अवेलेबल कर लिया है IPL 2021 के लिए, और उन्होंने अपना ऑक्शन के लिए भी नाम दे दिया है कि वो अपने आप को पूरी तरह से अवेलेबल कर चुके हैं IPL 2021 के लिए, और काफी टीमों के साथ उनकी बातचीत भी शुरू हो चुकी है। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि डेविड मलान आपको साल 2021 के अंदर IPL की किस जर्सी से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरी न्यूज बाहर निकल के आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो यहाँ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कि हमेशा स्टार्ट अच्छा करती है और एंड में जाके उनकी टाइटाई फिश हो जाती है, तो यहाँ दोस्तों अब स्टीवन स्मिथ को रिलीज कर चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और उनके नए कप्तान बने हैं संजू सैमसंग, वाइस कैप्टन बने हैं जॉस बटलर। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या स्टीवन स्मिथ को रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन है राजस्थान की टीम की तरफ से या फिर नहीं। तीसरी न्यूज बाहर निकल के आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो यहाँ दोस्तों RR की टीम काफी मजबूती के साथ एक अच्छे निर्णय लेती जा रही है अपनी टीम के हित के अंदर, और एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला यहाँ टीम ने एक और लिया है। कुमार संगकारा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, अब वो बन रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, यानी दोस्तों वो काफी ज्यादा कार्यभार संभालने वाले हैं, यानी जो कुमार संगकारा हैं आपको IPL के अंदर अब देखने को मिल जाएंगे, बट एज अ कोच देखने को आपको मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है राजस्थान के फैंस और राजस्थान की टीम के लिए। चौथी न्यूज बाहर निकल के आती है रॉबिन उथप्पा को लेकर। तो यहाँ दोस्तों रॉबिन उथप्पा KKR की टीम में थे, इसके बाद ट्रेड हो गए थे राजस्थान की टीम में, और अब फाइनली दोस्तों यहाँ पर CSK की टीम में हो सकते हैं रॉबिन उथप्पा ट्रेड। हालांकि अभी बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग एज की न्यूज है, और आपको एक दो दिन के अंदर ये सूत्रों के हिसाब से जो खबर निकल गई है, एक दो दिन के अंदर आपको इस खबर के ऊपर मोहर लगती हुई नजर आ जाएगी, जहां पर आपको दोस्तों बता दें CSK की टीम के अंदर ये किसी प्लेयर के बदले ट्रेड नहीं होने वाले हैं, बल्कि पैसों के बदले यानी जो इनकी प्राइस मनी है उसके बदले ये ट्रेड हो जाएंगे। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या रॉबिन उथप्पा CSK के अंदर जाने चाहिए या फिर नहीं। पांचवी न्यूज बाहर निकल के आती है रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट को लेकर। तो यहां दोस्तों 21 जनवरी अब हो चुकी है, बट जो फाइनल डेट थी वो थी 20 जनवरी यानी कल, जो कि अब दोस्तों यहां पर रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट सभी टीमों की तरफ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। आप सभी को भी ऑलमोस्ट सभी टीमों की तरफ से यहां पता चली गया होगा। खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि आप हमारी अगली वीडियो किस टीम के रिटेन और रिलीज प्लेयर के प्लेयर्स को जानने के लिए देखना चाहते हो। छठी न्यूज़ बाहर निकल के आती है IPL की ट्रेड को लेकर। तो यहाँ दोस्तों डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेड कर लिया गया है RCB की टीम के अंदर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के अंदर। बट यहाँ दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि ट्रेड हो तो चुकी है अभी तक सक्सेसफुल, बट दोनों ही टीमों ने यानी दिल्ली और RCB ने दोनों ने ही यहाँ पर पोस्ट किए थे, बट यहाँ दोस्तों पोस्ट करने के आधे घंटे के बाद ही दोनों ने ही अपनी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। हालांकि प्लेयर्स ने अपनी अपनी पोस्ट डिलीट नहीं की गई है, जिससे पता लग रहा है कि दिल्ली सैम्स और हर्षल पटेल RCB के अंदर आ चुके हैं। सातवीं न्यूज बाहर निकल के आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक ही फॉरेनर रिलीज किया है, यानी दोस्तों वो रिलीज नहीं हुए, शेन वॉटसन, जिन्होंने खुद ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब CSK के लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि CSK की टीम केवल एक ही फॉरेनर मिनी ऑक्शन के अंदर ले पाएगी, और वो भी तीन ऑप्शन के अंदर से वो लेने वाली है, जो कि स्टीवन स्मिथ, एरन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल होने वाले हैं, जो कि शेन वॉटसन की रिप्लेसमेंट बनेंगे। तो खैर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि शेन वॉटसन की रिप्लेसमेंट के तौर पर CSK की टीम में कौन आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि दिन भर की टॉप न्यूज़ वीडियो को
लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।